दोस्तों मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केयर्स के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रियलमी नाजो 20 प्रो में आप स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले जो वॉल्यूम डाउन बटन होता है जिससे हम आवाज कम करते हैं उस बटन को, और एक जो पावर बटन होता है जिससे हम फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं उस बटन को, या फिर स्क्रीन को ऑन ऑफ करते हैं। इन दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस करेंगे, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन एक साथ प्रेस करेंगे और ये हमारा स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है। दोस्तों इसमें स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का दूसरा तरीका भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले ऊपर से नीचे को तीन उंगलियों को स्क्रॉल करना होगा। ऐसे तीन उंगलियों को एक साथ स्क्रॉल करेंगे, थ्री फिंगर्स डाउन, और हमारा स्क्रीनशॉट जो है कैप्चर हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अपनी तीन उंगलियों को ऊपर से नीचे को स्क्रॉल करेंगे, ये मैंने स्क्रॉल किया और आप देखते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है। ऐसे ही आपको इस तरीके से भी स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेना है।